दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, तीन लोगों की गई जान। उपमुखिया ने मारी एक को गोली, बदले में भीड़ ने उसकी पत्नी और भतीजे को पीट पीट कर मार डाला और परिवार के दो अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गलती एक की सजा पूरे परिवार को। यह है सुशासन का राज, जहां अदालत की जगह भीड़ भीड़ फैसला करता है। एक मौत की बदले कितने जानी चाहिए। नाला को लेकर हुआ विवाद में तीन जानें अब तक चली गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां आपसी विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया है। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। पहले मुखिया ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए उपमुखिया की पत्नी और भतीजे को पीट पीट कर मार डाला। इस दौरान कई वाहनों को भी फूंक डाला। घटना में घायल दो अन्य लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना के आधारपुर में रविवार की शाम नाले को लेकर दो पक्षों के बीच थोड़ा सा विवाद हुआ। वही विवाद आज सुबह इतना हिंसक रूप ले लिया कि तीन लोगों की हत्या हो गई है, जबकि दो की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक पलरू राय का 30 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार रविवार की शाम बरसात का पानी बहाने के लिए कच्चा नाला बना रहा था, जिसका विरोध पड़ोस के ही उपमुखिया मोहम्मद हसनैन ने किया। इसी बात पर दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गया। आज सोमवार की सुबह विवाद फिर इतना बढ़ गया, जिसमें उपमुखिया हसनैन ने श्रवण कुमार को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस बात से श्रवण के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने कानून हाथ में लेकर उपमुखिया के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें उपमुखिया को तो जान बचाकर किसी तरह भाग निकला, लेकिन उनकी पत्नी और एक चचेरे भाई को दंगाइयों लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। जबकि हमले में उपमुखिया के परिवार के ही दो अन्य शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपमुखिया के घर के बाहर लगे कार समेत अन्य वाहनों को भी दंगाई द्वारा आग लगा दिया गया। यहां तक कि मीडिया कर्मी को भी मौके पर जाने नहीं दे रहे थे लोग। पुलिस तमाशाबीन देखती रही और दंगाई घर में घुसकर लोगों को मौत की घाट उतारते रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रशासन अब लोगों को शांत कराने में जुटी है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। क्या यही है सुशासन बाबू का सुशासन, जहां दंगाई भीड़ अपने हाथ में कानून लेकर सजा देती है। गलती किसी की और सजा पूरे परिवार वालों को। शायद योगी मॉडल कानून बिहार में भी लागू हो गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगेगा। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के कारण रियायत देने को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। आज की बैठक में कई अन्य छूट के साथ प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लिए गए निर्णय की सीएम नीतीश ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। 23 जून से 6 मई तक सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थित के साथ काम करेंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।